मॉर्निंग, मैं प्रमोद कुमार वर्मा, विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगवली तीर्थ बाराबंकी। आज कक्षा 9 की गणित का विषय जो हमारे चैप्टर है वो आपका बहुपद है। आपने व्यंजक पढ़ा है, बीजीय व्यंजक पढ़ा है। बीजीय व्यंजक जो होता है उसमें हमारी चर संख्या जो होती है वो x भी हो सकती है, x y भी हो सकता है, y भी हो सकता है। यानी उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमारा एक ही बीजीय चर संख्या आई हो। दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं। जब यहां पर हम बहुपद की बात करेंगे तो बहुपद का अर्थ है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर संख्या आई हो, एक प्रकार की चर संख्या आई हो और उस चर संख्या की घात पूर्ण हो, ऐसा बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद कहलाता है। यानी बहुपद की जो परिभाषा बनेगी, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार का चर पद आया हो और उसकी मैक्सिमम घात पूर्ण हो, उसकी जो चर की घात है वो पूर्ण हो, ऐसा व्यंजक हमारा बहुपद होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपको लिखते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है 2x² + 3x + 9, ये हमारा बहुपद है, व्यंजक भी है और बहुपद भी है। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं 2√x + 6x + 9, देखने में इसमें एक ही चर पद आया है, हमारा बहुपद होना चाहिए था लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पर जो x की पावर है वो पूर्ण नहीं है, इसलिए ये हमारा व्यंजक है। ये क्या है आपका? ये व्यंजक है और ये क्या है? बहुपद है। यही आपका डिफरेंस है दोनों में, बहुपद में और व्यंजक में। हम इसी से पता करेंगे कि कौन सा हमारा बहुपद है और कौन सा व्यंजक है। इसके लिए अभी मैंने बताया, परिभाषा भी बताई है कि बहुपद में एक ही प्रकार का चर पद आएगा, उसकी घात पूर्ण होनी चाहिए, ऐसा बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद कहलाता है। जो व्यंजक होता है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमारी घात पूर्ण हो। देखिए आपके सामने लिखा हुआ √x, ये जो है आपका व्यंजक है ना कि बहुपद है। जैसे हम ये लिखते हैं 2x² + 6x + 9, ये भी हमारा व्यंजक है और बहुपद भी है। ये व्यंजक है और बहुपद है, यानी कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक बहुपद व्यंजक हो सकता है परंतु प्रत्येक व्यंजक बहुपद नहीं होता। यानी प्रत्येक व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता परंतु प्रत्येक बहुपद हमारा व्यंजक हो सकता है। फिर इसके बाद आती है बहुपद की मैक्सिमम घात या मैक्सिमम पावर, या आप कह सकते हैं बहुपद की डिग्री। तो बहुपद की डिग्री का अर्थ है बहुपद की घात भी कहते हैं अथवा इसे डिग्री भी कहते हैं। उसका मतलब होता है कि उसमें जो चर संख्या है इसकी अधिकतम घात उस बहुपद की पावर कहलाती है, घात कहलाती है, डिग्री कहलाती है, जितनी उसकी मैक्सिमम घात होगी ये उसकी घात कहलाएगी। दूसरी चीज है कि बहुपद जो है हमारा है वो कितने पदी है, एक पदी है, दो पदी है, तीन पदी है, बहुपदी है। तो उसमें व्यंजक के लिए जैसे मैंने बताया था कि उसमें जो प्लस और माइनस लगा होता है उससे उनके पदों की संख्या निर्धारित करते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ है 4x² + 9,
इसमें देखो एक प्लस लगा हुआ है, एक अंक ये बन जाएगा, एक अंक ये बन जाएगा, यानी हमारे इसमें कितने हो जाएंगे, दो पद हो जाएगा। ये बहुपद जो बनेगा वो द्विपदी होगा, द्विपदीय बहुपद होगा। अगर हम 4x लिखते हैं तो ये आपका एक पदी बहुपद होगा। अगर हम 4 लिखते हैं तो ये भी बहुपद है। फर्क कितना है, ये शून्य घाती बहुपद है, क्योंकि इसमें x पावर 0 लिख सकते हैं, ये शून्य घाती है, शून्य घाती बहुपद है, ये शून्य घाती है, ये एक पदी है, ये दो पदी है। अगर लिखते हैं 4x² + 3x + 9, ये त्रिघाती त्रिपदी है। अगर हम लिखते हैं 2x³ + 3x² - 9x + 12, ये हमारा 1, 2, 3, 4 चार पदी है। ये बहुपद की पदों की संख्या हो जाएगी। हमने बहुपद के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा, तो इस तरह से हमारा बहुपद के प्रकार बताए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, चार पदी। बहुपद की घात बहुपद है या व्यंजक है, इसी के आधार पर, इसी के आधार पर जो हम अगली एक्सरसाइज प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। यानी इसमें पूछा गया है कि जो हमारे ये बहुपद दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बहुपद एक चर पद में है और कौन सा नहीं है, कारण सहित आपको बताना है। जैसे ये पहला हमारा दिया गया है, इसमें आप देख रहे हैं 4x² + 3x + 7, यानी एक ही चर पद आया है और इसमें चर पद की जो घात है वो पूर्ण है, इसलिए ये हमारा एक चर पदीय बहुपद है। इसमें y² + √2 ये भी एक चर पदीय है। ये आपका बहुपद ही नहीं है, ये आपका व्यंजक है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें √t है, इसलिए बहुपद नहीं है, ये व्यंजक है। ये लिखा हुआ है y + 2/y, इसको अगर आप सरल करेंगे तो 2y⁻¹, ये भी पूर्ण नहीं है, इसलिए हमारा ये भी बहुपद नहीं है। ये हमारा बहुपद ये भी नहीं है, एक पदी नहीं है, क्योंकि x आया, y आया, t आया, यानी एक चरपद नहीं आया, x आया, y आया, t आया, एक चरपद नहीं आया, इसलिए हमारा ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ये पहला क्वेश्चन हमारा था। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें x² के जो आगे गुणांक लिखा हुआ है उसको लिखना है। जैसे पहला है, इसमें x² का गुणांक कितना है, कुछ दिखता नहीं है, इसलिए हमारा प्लस का 1 है, क्योंकि चिन्ह प्लस लगा है। इसमें x² का जो गुणांक है वो कितना होगा, माइनस का 1 होगा। इसमें x² का गुणांक कितना होगा, π/2 होगा। x² का गुणांक π/2 होगा। इसमें x² है ही नहीं, तो x² का गुणांक होगा 0। x² का गुणांक आपका 0 होगा। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल होगा, लिखा निम्नलिखित में से x² का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो x² के आगे जो गुणांक हमारा लिखा हो चिन्ह सहित लिखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री लिखा है 35 घात के द्विपदीय और 100 घात का एक पदीय का एक एक उदाहरण लिखिए। आप इसमें कई एग्जाम्पल आपने पास लिख सकते हो। इसमें लिखना है 35 घात के दो पदीय, जिसमें दो पद आए हो उसकी मैक्सिमम घात 35 हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी ax⁻¹ + b। ए और बी के स्थान पर कोई भी कॉन्स्टेंट संख्या आप रख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 4x³⁵+6, अगला लिख सकते हैं, कोई दूसरा लिख सकता है -4x⁻¹-9,
कोई और लिख सकता है एग्जाम्पल माइनस का 16x³ + 35 माइनस 10 लिख सकता है। यानी कोई भी एग्जाम्पल इसका आंसर एक जैसा नहीं होगा। हमने ये जो लिखा है ये आपका व्यापक है, इसमें आप कांस्टेंट ए और बी के स्थान पर कोई भी संख्या रख सकते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है 100 घात का 1 पदी, 100 घात का 1 पदी लिखना है तो 100 घात का 1 पदी ax^100 हो जाएगा। इसकी पावर मैक्सिमम 100 है और ए आपका आचर संख्या, इसके स्थान पर कोई भी अंक लिख सकते हो, 10x^100 लिख सकते हो या आप 5x^100 लिख सकते हो, 4x^100 लिख सकते हो, माइनस का 10x^100 लिख सकते हो, कोई भी इनमें से आप रख सकते हो आंसर आपके, ये सब सही होंगे आंसर। इसका जो मानक है ये है ax^100, एक पदी है जिसकी मैक्सिमम घात 100 है, ये आपका 2 पदी है जिसकी मैक्सिमम घात 35 है, इसके स्थान पर आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, आप चाहे वो लिखो चाहे ये लिखो चाहे अपने आप कोई भी लिख सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये सबसे पहले मैंने बताया था नहीं, उसकी मैक्सिमम पावर उसकी घात कहलाएगी। जैसे ये आपका लिखा हुआ है 5x³ + 4x² + 7x, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी घात कितनी बन जाएगी, 3। इसमें आप बता सकते हैं घात कितनी होगी, 2। इसमें घात कितनी होगी, 1। ठीक है, घात 1 है। इसमें घात कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं है, तो आप x पावर 0 लिख सकते हैं, घात 0 हो जाएगी। दूसरा जो अगला सवाल दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो ये कितना होगा, द्विघाती। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है तो त्रिघाती होगा। इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो द्विघाती होगा। इसमें मैक्सिमम पावर 1 है तो ये रैखिक होगा। रैखिक मतलब समझते हैं जिसकी पावर मैक्सिमम 1 हो। इसमें पावर कितनी है, 1 है, इसलिए भी रैखिक होगा। इसमें r² है, द्विघाती होगा। इसमें पावर 3 है, त्रिघाती होगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होती है और मैंने इसकी PDF फाइल आपको भेजी है, उसमें से एक्सरसाइज है उसको लगाना है। मैंने बहुपद को भलीभांति से समझा दिया है, मैंने समझा दिया है, एक्सरसाइज भी पढ़ा दी है, अब आपको अपनी फेयर कॉपी पे लगाना है। तब तक थैंक यू, नमस्कार।